यूक्रेन लंबे समय से सैन्य हथियारों की कमी से जूझ रहा था और रूस यूक्रेन की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक एक कर उसके महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करता जा रहा था। हालांकि हाल ही में यूक्रेन को अमेरिकी मदद की मंजूरी मिल गई है, इससे यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, लेकिन रूस को पीछे खदेड़ना और उसके द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी इलाकों को छुड़ाना यूक्रेन के लिए अभी भी बहुत आसान नहीं है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिकी मदद तो मिल गई है, लेकिन अभी उसे हथियारों की डिलीवरी मिलनी शुरू नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने पिछले महीने ही गुप्त रूप से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भेजी थी। अमेरिका ने यूक्रेन को कितनी मिसाइलें भेजी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन बुधवार को कई अमेरिकी आउटलेट्स ने एक अनाम सरकारी अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि यूक्रेन को मिसाइलें भेजी गई थी। अधिकारी के अनुसार 300 किलोमीटर की रेंज वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS को 12 मार्च को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अनुमोदित सैन्य सहायता के $300 मिलियन के पैकेज में शामिल किया गया था। नाम न छापने की शर्त पर सूत्र ने यह भी कहा कि यूक्रेन ने बीते बुधवार को पहली बार मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों से फ्रंट लाइन के लगभग 165 किलोमीटर दूर एक रूसी हवाई क्षेत्र को निशाना बनाया गया। 17 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था क्योंकि सेना ने क्रीमिया के दजानकोए में एयरबेस पर हमला किया था। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने उनके दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की लंबे समय से लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहे थे, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। बाद में जब रूस ने उत्तर कोरिया द्वारा डिलीवर की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तब अमेरिका ने भी अपना इरादा बदल लिया और यूक्रेन को मिसाइलें भेज दी। इससे पहले यूक्रेन को पहली बार पिछले सितंबर में मिड रेंज ATACMS प्राप्त हुआ था, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें तुरंत टारगेट पर लेकर मार गिराना शुरू कर दिया था। इससे रूस के क्रीमियन ब्रिज को नष्ट करने की यूक्रेन की योजना विफल हो गई थी। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल मिलने से रूस की चिंता बढ़ गई है और उसने इस मामले में प्रतिक्रिया भी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह अमेरिका की तरफ से एक और गलती है। पुतिन ने कहा कि ATACMS को रोकने के लिए रूस अपनी हवाई सुरक्षा को उन्नत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों से युद्ध अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ यूक्रेन की पीड़ा बढ़ेगी, इसलिए ये एक गलती है। रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट के कमेंट में कहा कि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन को बेहद खतरनाक हथियार भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें और अन्य कोई हथियार रूस को हराने में मददगार नहीं है। रूस को हराने में अमेरिकी मदद और सैन्य हथियार कितने मददगार होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि हथियारों की कमी से आत्मरक्षा की मुद्रा में बैठा यूक्रेन अब एक बार फिर रूस को जवाब देने में सक्षम होगा। और कहीं न कहीं रूस को भी इस बात का अंदाजा है कि जब यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में सैन्य हथियार होंगे तब उसके लिए भी मनमाने तरीके से आगे बढ़ना आसान नहीं रह जाएगा।